हेलो स्टार्ट है। एक क्वेश्चन हो सकता है, आर ए आप लाइट पास थ्रू अ फोर ट्रांसपेरेंट मीडियम विद अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मी वन मी टू इन द फोर मी वन मीडियम मी टू इन द फोर और एज शो इन अ फिगर द सरफेस ऑफ द आर मीडियम द पैरेलल विद द इमर्जेंट रे CD is parallel to the incident ray. AB must have. पहले हमें AB देखना है। AB क्या है? AB mu1 mu2। अब हमें CD देखना है, mu3 mu4। अब हमें फर्स्ट मीडियम और थर्ड मीडियम निकालना है। फर्स्ट मीडियम है, थर्ड मीडियम मतलब ए डी निकालना है। ए डी μ4 μ1 या μ1 = μ4। ठीक, हमें ए डी निकालना है, सिंपल ज्यादा। ठीक, एपर्स आप इन पर आर रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम सिंस डेंसर मीडियम मीडियम है डेंसर टू रेयर टेंशन सॉरी टू रेयर इरेस टू नंबर मीडियम एट एंगल एट डेंसर मीडियम एट एंगल मीडियम एट एंगल ऑफ इंसिडेंट इन शो ऑफ फिगर बना देते हैं। फिगर इन शो ऑफ फिगर R. अब हमें हाइट एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टर एंड रिफ्लेक्टर रे एंगल ऑफ 90 R1 + R R + R′ = 90 ईच अदर्स द एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्टर एंड रिफ्लेक्शन रे R एंड R क्रिटिकल एंगल है। ये क्या है? क्रिटिकल एंगल इमर्ज किया है। R1 + R′ R R′ = 90 अब साइन थीटा क्रिटिकल एन टू साइन थीटा 90 एन टू साइन एन वन साइन थीटा सी इक्वल टू एन टू और साइन थीटा थीटा डी इक्वल टू साइन एन टू अपान एन वन क्रेजिंग में से साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स एन टू अपान एन वन ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। फर्स्ट अब सेकेंड एन वन साइन 90 साइन आई ले लेते हैं आई सेकेंड ये दोनों लिए थे आई आर ले आई एन टू साइन
आर एन टू सारे आर आर क्या है इस क्लॉक बन जाते एक क्लॉक आई आर आई आर क्या है 90 माइनस आर 90 माइनस आर एन वन साइन आई इक्वल टू एन टू साइन कॉस कॉस आर एन टू कॉस आर और साइन आई इक्वल टू साइन आई इक्वल टू एन टू अपान एन वन अपान एन टू अपान एन वन कॉस आर अपोजिट कर दिया और साइन आई इक्वल टू साइन इनवर्स है टेन आर साइन इनवर्स है टेन आर आगे इसका आंसर साइन इनवर्स टेन आर समझ में आया कितनी बार इस मेरा सवाल फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के साल पे साइन इनवर्स आर एन टू अपन एन वन आया सेकंड क्वेश्चन बाद एन टू अपन एन वन आर इसे बदल कर ले ये ये एक्चुअल ये तो है एन टू अपन एन वन है साइन इनवर्स एन वन अपन एन टू आ गया ठीक इसे फुट कर दिए यहाँ इसको फुट कर दिए फिर ये साइन इनवर्स साइन टी टेन आर आया इस तरीके से फाइंड आउट हुआ ठीक।